हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मम्मा लर्नर टेलरिंग। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही आसान तरीके से आस्तीन की डिज़ाइन शेयर करने वाली हूं, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पे तो यहां पे मैंने स्लीव्स की कटिंग कर ली है आस्तीन की पहले से ही। तो यहाँ पर मैं मेन फेब्रिक के ऊपर अस्तर वाले कपड़े को इस तरह से रख लेती हूँ और ये नीचे की तरफ हम इसकी सिलाई कर लेते हैं। तो इस तरह से सिलाई कर लेंगे, उसके बाद हम इसे ओपन करके एक और सिलाई कर लेंगे। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और उल्टा करके हम इसे चारों तरफ सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसके चारों तरफ सिलाई कर ली है और जो साइड के कपड़े हैं उसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने साइड के कपड़े की कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ नीचे लेस लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं साड़ी वाले बॉर्डर का लेस लगा रही हूँ इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने ये लेस लगा लिया है। अब हम इसमें डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने पेपर बकरम यूज़ किया है इस तरह से। इसे हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से हम 1.5 इंच लेंगे। और इस तरफ से हम 1 इंच लेंगे और इसे इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हुए मिला लेंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इसे हम अब कपड़े पर अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने प्रेस की सहायता से इस तरह से अटैच कर लिया है और जो साइड में है और इसकी साइड की हम इस तरह से सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से फोल्ड करते हुए हम चारों तरफ इसकी सिलाई कर लेंगे। अब हम यहाँ पे स्लीव्स को इस तरह से फोल्ड करके सेंटर पॉइंट ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सेंटर पॉइंट ले लिया है। अब हम यहाँ पे इस वाले बकरम को रख लेंगे। तो यहाँ से हम 1.5 इंच लेंगे इस तरह से और यहाँ से हम पिन लगा लेंगे। अब हम इसकी चारों तरफ सिलाई कर लेंगे। तो इसी तरह आप भी अटैच करिएगा। तो यहाँ पर मैंने सिलाई कर ली है। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है और जो कॉर्नर है उसमें हम इस तरह से छोटे छोटे कट कर लेंगे और इसे इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। अब हम यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई कर ली है। अब हम यहाँ पे इस तरह से फैब्रिक ले लेंगे और इसे फोल्ड करके इस तरह से सिलाई कर लेंगे। और इसे हम सीधा कर लेते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने इसे सीधा कर लिया है। अब हम मैं यहाँ पे सुई की सहायता से बो बना लूंगी छोटा सा। तो इस तरह से बो बना लीजिएगा और यहाँ पे मैं सेंटर में मोती डाल रही हूँ। आप चाहे तो इससे बड़ा वाला मोती भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बो बना लिया है। अब हम इसे इस तरह से अटैच कर लेंगे।
तो इस तरह से रखते हुए हम इसे अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे अटैच कर लिया है। अब हम इस तरह से फैब्रिक ले लेंगे छोटा छोटा और इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए हम स्लीव्स पर लगाएंगे। कॉर्नर में इस तरह से तो इस तरह से मैंने लगा लिया है। अब हम इस वाले कॉर्नर में भी लगा लेते हैं इसी तरह। तो इस तरह से मैंने इसे भी अटैच कर लिया है। तो इस तरह से मैंने बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों के सामने ब्यूटीफुल आस्तीन की डिज़ाइन शेयर की। आप लोग इसे एक बार बनाकर जरूर देखें। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।